फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी परवल और आलू की करी। ये चपाती, रोटी, पूरी या राइस के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपने मेरे चैनल में नया है तो प्लीज फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा नया नया रेसिपी लेके आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वादिना और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लैवेंडर स्वादिना। आलू और परवल की करी बनाने के लिए लिया है आलू और परवल, और परवल को ऐसा करके छोटा छोटा पीसेस में काट कर लिया है। मैं यहाँ पे 300 ग्राम परवल लिया है और 2 आलू लिया है। परवल कैसे ऐसा छोटा छोटा पीसेस में काट कर लिया है वो मैं एक परवल काट के दिखाती हूँ। पहले परवल के ऊपर की जो ग्रीन कलर का पार्ट रहता है वो पीलर से पील कर लेंगे। अभी 2 साइड ऐसा करके काट कर पानी में धो के ऐसा छोटा छोटा पीसेस में काट कर लेते हैं। और आलू को भी छोटा छोटा पीसेस में काट कर लेते हैं। अभी आलू को पानी में रखें, नहीं तो आलू का कलर ब्लैक हो जाता है। अब ग्रेवी बनाने के लिए लगेगी 2 मीडियम साइज का प्याज, ऐसा छोटा छोटा पीसेस में काट कर लिया है, और लगेगी 8 से 10 का लहसुन, 2 टेबल चम्मच दही, 2 इंच अदरक और 1 मीडियम साइज का टमाटर। अभी ग्राइंडर की जार में लहसुन और अदरक, अदरक का ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट करके डालिए, और 1 चम्मच जीरा डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए पेस्ट रेडी हो गया। अभी कढ़ाई में दे देंगे 1 चम्मच तेल। मैं यहाँ पे सरसों का तेल दिया है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कीजिए। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसके ऊपर दे देंगे परवल और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जितना अच्छे से फ्राई करेंगे उतना सब्जी का टेस्ट अच्छा होता है। और दे देंगे नमक 1 चम्मच। लो टू मीडियम फ्लेम पे परवल को फ्राई करेंगे। देखिए ये फ्राई करने के लिए मेरा 5 मिनट टाइम लगा है। देखिए अभी परवल फ्राई भी हो गया। अभी इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। और अभी वही कढ़ाई में वापस 1 चम्मच तेल देके आलू को भी सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आलू भी फ्राई हो गया। अभी यहाँ पे 1 चम्मच जीरा, 1 ड्राई मिर्ची, 4 हरी इलायची, दालचीनी, सब एक साथ वही बचा हुआ तेल के ऊपर दे के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अभी इसके ऊपर दे देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन तक फ्राई हो गया। अभी इसके ऊपर दे देंगे टमाटर और दे देंगे नमक 1 चम्मच। नमक टमाटर के ऊपर देने के बाद टमाटर जल्दी जल्दी पिघल जाता है, और ऐसा करके चलाना है 4 से 5 मिनट। देखिए टमाटर अच्छे से पिघल गया। अभी ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और जीरा की पेस्ट और अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे अभी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और अभी अच्छे से मिक्स करेंगे, और ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। और इससे क्या होता है ना, जो सूखा मसाला दिया है वो नहीं जलेगी और मसाला भी अच्छे से पक जाएगी। देखिए अभी मसाला से थोड़ा थोड़ा तेल दिख रहा है। अभी गैस का फ्लेम लो पे रख के ऐड करेंगे दही और अच्छे से मिक्स करेंगे, और ऐसा करके चलाना है जब तक ना मसाला तेल छोड़ दे। देखिए अभी मसाला से तेल अलग हो गया। अभी ऐड करेंगे
फ्राई किया हुआ परवल और आलू और अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट ऐसा पकाएंगे। अभी ऐड करेंगे पानी। मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी यूज किया है। आपको ग्रेवी कैसे रखना है इसके हिसाब से आप पानी यूज कीजिए। पानी देने के बाद ढक्कन लगा के रखेंगे 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पे। इससे क्या होता ना, इससे परवल और आलू अच्छे से बॉईल भी हो जाएगा। 6 मिनट के बाद देखिए लीड ओपन किया है और अभी परवल और आलू की सब्जी लगभग रेडी हो गया। अभी लास्ट में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और देखिए मेरा परवल आलू की कड़ी रेडी हो गया। इसको अभी एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं और एक नया रेसिपी लेके। तब तो आप आपका ख्याल रखिए।